नमस्कार दोस्तों, मैं तरकारी हरियाणा और मजदूरवाणी टीवी के लिए जर्नल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और पुलिस भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाला जो आरोपी है वो सीएम फ्लाइंग टीम ने दर्द पहुंचा है। रविंद्र कुमार इसका नाम बताया जा रहा है और सिरसा जिले का जो है ये रिहायशी है और किस तरह जो अपने काम को ये अंजाम देता था। बलकार रामगढ़िया जी हमारे साथ हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि लोग इस तरह के लोगों के झांसे में किस तरह आ जाते हैं। तो बलकार रामगढ़िया जी क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मजदूर वाणी टीवी और तरकर हरियाणा के जो दर्शक हैं देख रहे हैं हमको, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। ठगी आजकल हमारे देश में फैशन बन चुका है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ हुई है जी जी। और ठग लोग इन लोगों को, भोले वाले लोग जो होते हैं, इनको आसानी से निशाना बना लेते हैं छोटा छोटा लालच देकर। लालच बुरी बला, हमने बचपन में भी कहानी पढ़ी थी जी। लोग लालच में खुद फंसते हैं जाल में जी जी। ठगी मारने वाले का काम ठगी मार रही है, हमें सचेत रहना, वो हमने देखना कि हमने सचेत कैसे रहना है। ये लोग करते क्या है, भोले वाले लोगों को टारगेट करते हैं। अब आपके हिसाब से जो आप बता रहे हो लाखों रुपए की ठगी है, 15-20 नौजवानों से, किसी से 10 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 12 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 3 लाख, ऐसे करके उन्होंने नौकरी का झांसा देकर ठगी करी है जी। इतने फ्रॉड हमारे देश में जो सामने निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड तो पकड़े नहीं जाते जी जी। ये तो इनकी किस्मत अच्छी है जो पकड़ा गया है, अब इसको सजा होगी। और लोग जागरूक बनेंगे तभी इन लोगों से जनरल सिंह जी बचा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। बहुत सारे लोग आपको फोन करते हैं पीआर डिलीवरी के नाम पर, या बहुत सारे लोगों ने, आप कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हो किसी बैंक का, तो वहां पे उन्होंने एड लगाकर अपना नंबर ऊपर कर रखा है, तो लोग उनको कभी वो कोरियर वाला बन के ठग लेते हैं, कभी वो आपके पास फोन आता है मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ जी जी। बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम भी इसमें शामिल है जो हो रहे हैं लोगों के साथ, और लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, हमारा बेटा नौकरी लग जाएगा, बताते तक नहीं है किसी रिश्तेदार को, पढ़े लिखे को। ऐसा नहीं है जनरल सिंह जी, गांव में कोई वकील नहीं होता, कोई मास्टर नहीं होता, कोई पटवारी नहीं होता, कोई फौजी नहीं होता। हर गांव में आपको छोटे से लेके बड़ा अधिकारी कर्मचारी मिल जाएगा जी जी। तो उनसे बात नहीं करते जी। बात नहीं करते तो इसलिए पहली चोरी तो उन लोगों से शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके मन में भी तो बेईमान होती है जी। क्योंकि रिश्वत देना या लेना दोनों ही अपराध है। तो सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पैसे के बदले नौकरी सरकार देती है। सरकार जिसको भी नौकरी देती है फ्री में देती है, लेकिन बीच में जो दलाल लोग होते हैं, इसको दर्द होता सीएम फ्लाइंग टीम ने और सीआईडी की टीम ने, तो इसके पास से जो फर्जी वर्दी जो है इसके पास से बरामद हुई है, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर तक लोगों को दिए गए, फर्जी आई कार्ड तक पुलिस के इशू किए गए, तो ये इस तरह के काम ये किस तरह कर लेते हैं? वो सारी चीजें आजकल इंटरनेट पर देख के कर लेते हैं, जब वैसे भी इन छात्र लोगों का दिमाग आम लोगों से ज्यादा होता है, वो भी सूझबूझ और चलाकी से काम करते हैं कि लोगों का भरोसा उन पर बना रहे जी जी। और सुनने में तो यहाँ तक भी आया है इसी आदमी ने लोगों के खाते में ज्वाइनिंग लेटर के बाद पहली सैलरी भी डलवा दी थी जी जी। एक एक महीने की कुछ लोगों के खाते में डलवा दी थी उसी पैसे में। अब पैसा रिकवर हो जाता है तो उनको मिल जाएगा, नहीं तो इसको जेल हो जाएगी और लोगों का पैसा मेरे को पूरा लगता मिलेगा उनको जी जी। पुलिस आपको पता ही है कैसे बरामद करती है जी। और जी, जब तक पुलिस बरामद नहीं करेगी इससे पैसा, तब तक इसके दोष सिद्ध नहीं होंगे जी जी। दोष सिद्ध करने के लिए भी तो पुलिस को चलान में क्या पेश करेगी पुलिस? कोई रिकवरी होगी तो ही कोर्ट में पेश करेगी, तभी तो जाके आगे ट्रायल चलेगा। अगर रिकवरी नहीं हुई तो ट्रायल कैसे चलेगा? तो ये सारी आगे की कानूनन प्रक्रिया है जी जी। उसमें अब इनको और परेशान बेचारों को होना पड़ेगा जिनके साथ ठगी हुई है। मुझे नहीं लगता अब इनका पैसा रिकवर होने के चांसेस हैं, और इनकी किस्मत अच्छी होगी तो वो पैसा जरूर मिल जाए। तो एक लास्ट बात और करेंगे बलकार जी, जिस तरह बताया ये जा रहा है कि पेपर के माध्यम से जिस तरह पता चला है कि अपनी ये एक्सयूवी गाड़ी लेकर घूमता था, 50,000 रुपए रेंट पे ले रखी थी और उसके ऊपर भी लाल बत्ती लगाई हुई थी, तो वो तो मैंने पहले बता दिया है ना, जो 76 लोग होते हैं उसका पूरा प्रबंध करके चलते हैं ताकि लोगों को शक ना हो इन पर, मतलब जरा सी भी शक ना हो। देखो पैसा किसका है जी जी, आपके जैसे भाइयों का है, दूसरे भाइयों का, लोगों का लूटा वो पैसा वो लुटा रहा था, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा मतलब खेत में कस्सी जलाकर कमाया उसने, या रोड पे दिहाड़ी करके कमाया उसने? उसने लाखों रुपए लूटे हैं, उसमें से कुछ लाखों उड़ा दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? एक बात और करेंगे बलकार जी, छोटी सी, जिस तरह चलो अनपढ़ आदमी का कर लेते हैं इसके झांसे में आ गया, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो इस तरह के लोगों के झांसे में किस तरह लगातार जो है इसका शिकार? ये बहुत बड़ी समस्या है जी। अभी मैं बता दूं आपको, अनपढ़ लोगों के साथ ठगी कम होती है जी जी। क्यों? वो ज्यादा बाई बाई बनने की कोशिश नहीं करते, हाई फाई बनने की कोशिश नहीं करते जी। वो साधारण जिंदगी जीते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कम होती है। जो ज्यादा दिखावा करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं टूर पे जाते हैं, फुल फैमिली की फोटो डाल देते हैं जी जी। हम टूर पे निकले हैं गोवा के लिए, चंडीगढ़ के लिए, शिमला के लिए। चोरों को आसानी से उनके पेज से पता चल जाता है, अभी अब घर पे कोई नहीं है, चोरी करनी आसान है, खुद हम चोरी करवाते हैं अपना
वो डाल करके। जी जी। तो इसीलिए ये लोग मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ज्यादा आजकल सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, ठगी का शिकार भी वही लोग हो रहे हैं। अब पुराना बुजुर्ग है कोई, उसके पास छोटा कीपैड फोन है, उसके फोन से कैसे पैसे निकाल लेगा कोई? जी जी। पैसे तो उसके निकलेंगे ना जिसने इतना बड़ा रखा हुआ है। जी जी। तो ये यही शिकार होती है साथियों। आदमी जब भी ठगी का शिकार होता है तो वो खुद के स्वार्थ के लिए होता है। छोटे छोटे लालच जो हमें है वो हमारे वो और मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए लालच मत करो, अपनी ईमानदारी से मेहनत करो, खाओ कमाओ मौज मारो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बलकार राम गिड़िया जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ इस चर्चा पे व्यक्त किए। आपको ये चर्चा हमारी किस तरह की लगी कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।